दोस्तों साल 2020 में ईद के मौके पर सलमान भाईजान एक बार फिर अपने फैंस को तोहफा देने जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि फाइनली सलमान भाईजान एक कॉप मूवी करने वाले हैं। जी हाँ, एक कॉप मूवी यानी कि पुलिस ऑफिसर का किरदार करने वाले हैं, जो कि दबंग फ्रेंचाइज से बिल्कुल अलग थलग होने वाली है। वहीं दोस्तों इस फिल्म को प्रभु देवा सर ही डायरेक्ट करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। जी हाँ, बता दें कि सलमान भाईजान एक बार फिर वर्दी वाली लुक में अपने फैंस के साथ रूबरू होने वाले हैं साल 2020 में ईद के मौके पर। जी हाँ, साल 2020 में ईद जो आ रही है उस पर सलमान भाईजान एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि इसमें सलमान भाईजान की फिल्म दबंग फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहा। जी हाँ, मैं बता दूं कि दबंग 3 जो कि साल 2019 में 20 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है क्रिसमस के मौके पर, वहीं साल 2020 में एक और कॉप मूवी आ रही है सलमान भाईजान की, जो कि प्रभु देवा सर ही डायरेक्ट करेंगे, लेकिन उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग थलग होने वाली है। आप लोग जानते होंगे कि दबंग की जो फ्रेंचाइज है उसमें सलमान भाईजान का जो किरदार है उसमें काफ़ी चुलबुली होता है, चुलबुलीपन जो दिखाया जाता है लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह का किरदार नहीं करने वाले हैं सलमान भाईजान, बल्कि उनका जो करेक्टर है बिल्कुल अलग होने वाला है। जी, मैं राधे की भी बात नहीं कर सकता क्योंकि वांटेड 2 में जो राधे का करेक्टर था वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का था, लेकिन दोस्तों ये जो पुलिस ऑफिसर का किरदार करने वाले हैं इसमें कुछ अलग स्टोरी होने वाली है। एक नया स्टोरी, नया स्क्रिप्ट पर सलमान भाईजान अब काम करने वाले हैं। वैसे दोस्तों फिलहाल दबंग की जो शूटिंग है वो रैप अप हो चुकी है और इसके प्रमोशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं दोस्तों प्रभु देवा सर एक नई स्क्रिप्ट पर सलमान भाईजान के साथ काम करेंगे, तो ये देखना काफ़ी लाजमी होगा कि ये फिल्म किस तरह की होने वाली है, क्योंकि दबंग 3 का तो लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब प्रभु देवा सर एक और फिल्म करेंगे जो कि एक्शन से भरपूर और एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी और काफ़ी अलग मूवी होने वाली है। वैसे दोस्तों आप लोग उस मूवी का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों में कितना एक्साइटमेंट है, क्या अब आप दबंग 3 के बाद कोई और मूवी भी देखना चाहते हैं सलमान भाईजान को एक कॉप के अवतार में यानी कि पुलिस ऑफिसर के अवतार में? जी हाँ, आप नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।